भी 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 सुनता रहता हूं। जबी भी सुनता रहता जब बार भी सुनूं, बस दिमाग जो है दंग होकर रह जाता है कि कितनी पेचीदगी के साथ हमारी बॉडी के अंदर दिफाई निजाम मौजूद है और फिर वो निज़ाम को समझ कर इलाज बनाना उसका वो भी जो है बहुत सरप्राइजिंग है और अमेजिंग है और इसमें भी तारीफ अल्लाह की ही है कि एक तो निज़ाम है जबरदस्त फिर इंसानों को सलाहियत दी कि वो निजाम समझें और इलाज बनाएं तो और वैक्सीन के बारे में आपने सुन लिया है और क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे जारी रखिए मैं नोट कर रहा हूँ इंशाल्लाह आखिरी में सबके जवाब पूरी कोशिश करेंगे देने की इंशाल्लाह तरह तो अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं डॉक्टर खुर्रम खान मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं लंदन यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं डाउ मेडिकल कॉलेज से فارغ ہیں बेसिक ट्रेनिंग वहां से ली है फिर उसके बाद रॉयल मार्सन हॉस्पिटल बड़ा इदारा है लंदन के अंदर वहां पे ट्रेनिंग हासिल की फिर कभी कंसल्टेंट हैं ना सिर्फ कंसल्टेंट लेकिन रिसर्च में भी बड़े आगे हैं लीड रिसर्च रोल है उनका नॉर्थ मिडल हॉस्पिटल के अंदर तो इनका काम तो कैंसर के अंदर है ज्यादातर लेकिन इन्होंने काफी रिसेंटली कोविड पैंडमिक के अंदर काफी काम किया उसके ऊपर और काफी डेटा कलेक्ट किया है पब्लिकेशन भी हैं तो ये हम हमें बताएंगे कि मज़ीद डेटा के बारे में कोविड के बारे में हमको कितनी फिक्र करनी चाहिए ओवर टू यू डॉक्टर खान जी असल वरहल बहुत बहुत शुक्रिया मैं बस ये स्क्रीन सेट कर लूँ थोड़ी सी आप बताइएगा अगर इसमें दिखाई दे रही है स्लाइड्स दिख रही हैं आपको जी सॉरी डॉक्टर अरफा कंफर्म कर देंगे आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही यस यस आई कैन सी अच्छा थैंक यू वेरी मच जी um, बहुत बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले um, सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का डॉक्टर सलीम अनवर का खास तौर पर uh, बहुत शर्फ की बात है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है यहाँ पे बात करने के लिए तो पिछले हफ्ते ये अंग्रेज़ी में यही टॉक मैंने दी थी तो इस दफ़ा कोशिश होगी कि उसको उर्दू में बयान किया जाए तो मुझसे पिछले दो स्पीकर्स ने माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से वायरोलॉजी के बारे में और इम्यूनोलॉजी के बारे में कोविड के बारे में बहुत डिटेल में गुफ्तु फरमाई है तो मैं को, कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर फोकस करूं और फ़ाइनली uh, इन हम सब जब पैनल में होंगे तो सवाल जवाब उसमें किए जा सकेंगे तो जो चंद चीज़ें इसमें uh, जिन पर मैं गुफ्तु करना चाहूँगा तो पहली चीज़ यह है कि चैलेंज हमारे लिए कितना बड़ा है जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ चैलेंज कहा है मैंने फिर वैक्सीनेशन uh, का रैशनल क्या है इसमें अगेन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं तीन मेन वैक्सीन जो इस वक्त अवेलेबल हैं यूके में और अब चौथी वैक्सीन भी जल्दी अप्रूवल की तरफ जा रही है और स्ट्रेटजीज़ uh, क्या होनी चाहिए कम्युनिटी में वैक्सीनेशन को इंक्रेज करने के लिए क्योंकि जैसे कि पहले गुफ्तु हुई काफ़ी सारे शकूक व शबहात हैं जिनमें से बहुत सारे uh, मेरे ख्याल में जायज़ भी हैं तो इसलिए उनको कम्प्लीटली डिसमिस नहीं करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि उनको एड्रेस किया जाए ताकि लोगों के जहनों में अगर कोई सवाल या अशिकाल हैं तो उनको दूर किया जा सके तो बैकग्राउंड के बारे में आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी सुन लिया है तो मैं सिर्फ तीन इसके अहम नुकते बयान करूंगा जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं लेकिन जैसे हमने पहले स्पीकर से सुना कि जो पहला केस डिस्कस जो डिस्कवर हुआ है इस करंट पेंडेमिक के अंदर वो चाइना के अंदर कहा जाता है जैसे केस जीरो कहा जाता है यानी जहाँ से आगाज़ हुआ है वुहान के अंदर दिसंबर 2019 में तो अब ये काफ़ी अनबिलीवेबल है कि ये पिछला तकरीबन तो पूरे से ज़्यादा मतलब तेरह महीने गुजर चुके हैं और जाहिर है जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था तो लोगों का ख्याल ये था कि ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होगी जब बल्कि तस्वीरें आती थी चाइना से जहाँ पर लोग मास्क पहन के घूम रहे थे एक दूसरे से दूर फिर रहे थे और वहाँ एक बड़ी सनसनाहट सी फैली हुई थी उस वक्त न्यू ईयर का टाइम था दो हज़ार उन्नीस बीस आ रहा था तो वहाँ सारी एक्टिविटीज़ ब्लॉक्ड थी तो उस वक्त ये तकरीबन पूरी दुनिया के लिए एक ज़रा मज़ाक था इन द सेंस के किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो ये बात कहने का मकसद ये है कि आप देखिए कि विद इन थ्री मंथ थ्री एंड हाफ मंथ्स डब्ल्यू एच ओ ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया और इसकी थोड़ी सी आप मैग्नीट्यूड आप गौर कीजिए कि इससे पहले जो पेंडेमिक था वो 1918 में यानी तकरीबन 100 साल से पहले हुआ था जो इन्फ्लुन्जा का पेंडेमिक था तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कौन से स्ट्रेंज इसके बात हो चुकी है क्योंकि जावेद भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इसके बारे में सारी गुफ्तु माशा कर दी है तो मेरा कोई मज़ीद ऐड करने का बच नहीं गया उसमें तो अब सवाल यह है कि मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डैमेज क्या है और मेरा इसमें एज एन आंकोलॉजिस्ट इंटरेस्ट क्यों है तो इसका जवाब यह है कि पहले तो ये फिगर्स uh, आपने अगेन देखी हैं लेकिन थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट दोबारा से कर दूं कि ये आज की फिगर्स हैं तो पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं अब तक इन्फेक्ट हो चुके हुए हैं और डेथ्स की तादाद भी देखें तो ये जितने डिजिट्स हैं इसको काउंट करने में भी काफ़ी मसला हो रहा है तो आप अंग्रेज़ी में करें या उर्दू में करें यानी लाखों अफराद जो हैं वो लकमा जल बन चुके हुए हैं इस वायरस से और करोड़ों जैसे मैंने कहा इफेक्ट हो चुके हैं यू के की फिगर्स दो वजूहत की बिना पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत सारी यूके की कम्युनिटी इस टॉक में शामिल है आ, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हर मुल्क के अंदर एक हेल्थ सिस्टम होता है और यूके का हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में आ, उमदा समझा जाता है बेस्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स और ये कहने की रीज़न ये है कि ख़ास तौर पर जिस तरह अमेरिका के सिस्टम में मेरा काफ़ी अमेरिका में जाना होता है मुख्तु कॉन्फ्रेंस में टॉक्स वगैरह के सिलसिले में तो अमेरिका में और यूके के एक सिस्टम में एक छोटा सा फ़र्क मैं बयान करूँगा कि अमेरिका में बहुत ही एक्सट्रीम्स बहुत हाई क्लास हॉस्पिटल्स भी हैं लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एम्पावरिश्ड एरियाज हैं इंश्योरेंस नहीं है ये वो तो कहने का मतलब ये है कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम में भी आज की फिगर्स के मुताबिक हमारे पास अभी भी हज़ार से ऊपर डेथ्स हो रही हैं और एक लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इंतकाल कर चुके हुए हैं ये एक, एक आ, आ, आम इबाम है कि लोग ये कहते हैं कि इन्फ्लुन्जा जो आम फ्लू वायरस है उसमें और कोविड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है अच्छा पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी ज़ाहिर है कि इसकी भी एक वजह है वजह यह है कि वास्ट मेजोरिटी जो ज़्यादातर लोग जिनको कोविड होता है वो उससे बड़ी आसानी से रिकवर कर जाते हैं और उनको वही सिम्टम्स या अलाम होती हैं जो आम फ्लू के अंदर होती हैं तो जाहिर है जो शख्स रिकवर कर जाता है उससे आसानी के साथ बाहर निकल आता है उसका इंप्रेशन यही होता है कि कोई ख़ास इलनेस नहीं है लेकिन आप देखिए कि ये फ्रांस में एक स्टडी हुई जो पिछले महीने लानसट में रेस्परेटरी मेडिसिन में पब्लिश हुई और इसके अंदर दिखाया है कि कितना ज़्यादा आउटकम में फ़र्क है इवन यंग एज ग्रुप्स के अंदर ये आपको शायद मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा तो इवन यंग एज ग्रुप्स में जिसमें कहा जाता है कि ये कोविड जो है इतना अफेक्ट नहीं करता तो इसके कर्ज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं कंपेयर टू फ्लू वायरस के तो अब ये मेरे इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है तो उसकी वजह एक ये बनी कि कैंसर पेशेंट्स हम जानते हैं कि आ, उनका कुत मुदाफ़िरत जो होता है वो वॉक्सर लो होता है उसकी वजह यह होती है कि वो कीमोथेरेपी पे होते हैं या कैंसर ख़ुद उनकी कुत मुदाफियत को अफेक्ट कर देता है तो जब चाइना में एक इनिशियल डेटा आए अब एक चीज़ ये चूंकि फैक्ट्स और फिगर्स पे मेरा फोकस है अपनी गुफ्तु के दौरान तो एक बात मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर कोविड के सिलसिले में चूंकि एक नया वायरस था अभी हमने देखा कि किस तरीके से इसमें तबाहकारियाँ फैलाईं तो जो मेडिकल जर्नल्स हैं जो लोग यहाँ पर एकडेमिक्स हैं वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ पब्लिश करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगती हैं लेकिन कोविड के सिलसिले में यकीन ऐसा हुआ कि बहुत सारे पेपर्स जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जर्नल्स ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए जाहिर है उसकी वजह यह थी कि वो चाहते थे कि लोगों तक आ, मुकम्मल इंफॉमेशन पहुँच सके और कोई भी चीज़ विद होल्ड ना हो तो उसमें उनकी नीयत तो साफ थी लेकिन इसके रिजल्ट यह हुआ कि बहुत सारी कम आ, आ, कम जो क्वालिटी की स्टडीज़ हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई तो हुआ यह कि उस वक्त चाइना से एक स्टडी आई जिसके अंदर अठारह कैंसर के पेशेंट्स थे और उन्होंने उन अठारह कैंसर के पेशेंट्स को कंपेयर किया जो बाकी को था उसके साथ और उन्होंने कहा कि इनके आउटकम्स बहुत बुरे हैं तो बहरहाल हमने ये स्टडी की यहाँ पर लंदन में अपने नॉर्थ लंदन की हॉस्पिटल्स की और इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बस इसमें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि उस वक्त हमने देखा ये कि एक को में कैंसर पेशेंट्स ले लिए एक कोहाट में नॉन कैंसर पेशेंट्स ले लिए इसमें Uh, माशा सलीम भाई ने भी बहुत हमारी हेल्प की पेशेंट्स uh, जो रेस्परेटरी उनका डिपार्टमेंट है तो जिन्होंने प्रजेंट किया हमने उनको भी शामिल किया इसमें तो एक में नबे थे एक में तीस थे को में पेशेंट्स तो हमने इसके जो है ना ये देखा कि आउटकम्स ये देखनी थी कि उनके क्या हस्पताल के एडमिशन ज़्यादा थे या उनकी सवेरिटी ज़्यादा थी इन्फेक्शन की ये चीज़ें देखने की कोशिश की बॉटम लाइन ये थी कि हमने ये uh, इसमें स्टडी में कंक्लूड किया कि एक्चुअली उनके आउटकम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था तो मतलब कहने का ये हुआ कि भले आपको कैंसर हो या ना हो हमने ये हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क उन्हीं चीज़ों से पड़ता है जो कि नॉन कैंसर पेशेंट्स के अंदर बताई गई हैं यानी कि अगर आपकी एज ज़्यादा है जैसे अभी बताया गया कि अगर 80 साल से ज़्यादा है या 70 साल से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मोटेलिटी एज के हिसाब से ज़्यादा है या फिर इसके में हार्ट डिजीज़ दिल के अमराज वालों के लिए जो है आउटकम्स पुअर हैं यही चीज़ें कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी हमारे सामने आई फिर दूसरा सवाल मेरे जहन में ये था कि अगर जो कैंसर जिन पेशेंट्स को है क्या उनका कोविड इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क ज़्यादा है या नहीं है और उसकी वजह यह थी कि उनके अंदर इम्यूनिटी लो होती है तो पहले हमने देखे जो स्टडी थी उसमें यह देखा था कि अगर एक दफ़ा हो गया कोविड तो क्या उसके आउटकम्स जो हैं वो वर्स्ट होंगे या नहीं होंगे वर्स्ट नहीं है और इसके बारे में मेरा एक हाइपोथेसिस है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल चीज़ हो जाएगी इसलिए मैं उसको फिलहाल इग्नोर करता हूँ तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमने इसके अंदर काफ़ी बड़ी स्टडी की इसमें तकरीबन 2,800 पेशेंट्स थे जिनको कीमोथेरेपी दी गई थी हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर और नॉर्थ मिडल सेक्स हॉस्पिटल्स में और इसके अंदर से जब हमने इवेंचुअली देखा तो हमें पता चला कि स्लाइटली इंक्रीज रिस्क था उन पेशेंट्स में जिनको कैंसर था कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन के अलबत् अगेन वही हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि रिस्क ऑफ डेथ जो था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था तो बहरहाल इस सारी बात के बताने का मकसद ये है क्योंकि कैंसर जो है वो भी ऑलमोस्ट पेंडेमिक प्रोपोशन के अंदर है अगर आप उसको देखिए वो जाहिर है कि इन्फेक्शस डिजीज नहीं तो उसको पेंडेमिक नहीं कहा जा सकता लेकिन उसकी जो टोटल इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट वन इन टू है जो सी आर यू के की फिगर्स हैं तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके हमारे रिश्तेदारों में दोस्तों में शामिल हैं उनको कैंसर की बीमारी भी हो जाती है और अभी रिसेंटली हमने पब्लिश किया है जिसमें हमने दिखाया है कि जो अपर जी आई कैंसर हैं खाली उनके अंदर यू के अंदर आ, एक एक गुमान ये है कि तकरीबन तीस से चालीस फ़ीसद उनका मोटेलिटी रेट बढ़ जाएगा इस वजह से कि रेफरल्स कम हो गए ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीरियड तो इन सारी बातों की, की वजह से मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है कि हम हर चीज़ को जो है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो अब ये नेक्स्ट सवाल ये होता है कि कोविड नाइन्टीन के अंदर जो है उसकी एहतियात क्या हो सकती है और इलाज क्या हो सकता है इलाज के सिलसिले में आज का टॉपिक नहीं है लेकिन मैं मुख्तसरा सिर्फ एक जुमले में ये कहूँगा कि अभी तक जो मेरे कोलिग्स हैं शायद वो एग्री करेंगे कि कोई भी ऐसी इफेक्टिव एंटी वायरल थेरेपी नहीं आई जो इसको क्योर कर दें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबर क्लोसिस हैं या और अमराज हैं इन्फेक्शन के तो उसमें इन्फेक्श डिज़ीज़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी ये होती है कि आप किसी भी तरीके से अगर डिजीज़ हो गई है आप एंटीबाइटिक्स के जरिए या एंटी वायरल्स के ज़रिए या एंटी फंगल्स के ज़रिए उस डिज़ीज़ को क्योर कर दें आज जहाँ पे हम गुफ्तु कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे उमदा सपोर्टिव मेयर्स तो आ गए हैं कि यानी स्टीरॉइड्स के ज़रिए जो है हॉस्पिटल स्टे को कम किया जा सके या मुख्तफ अदविया टोसी के जरिए किया जा सके वगैरह वगैरह लेकिन इनमें से कोई भी क्योरेटिव ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है बेस्ट ऑप्शन के लिए देखिए हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर और ये वाकई बड़ा अहम प्रिंसिपल है कि अगर किसी मर्स को बचाया जा सके यही सबसे उमदा चीज़ है तो अब इसमें एक मिसाल ये थोड़ा सा मैं ये वाजे कर दूं कि भाई ट्रायल्स का सिलसिला क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल से मैं काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ तो इस वजह से मैं इस पर मुख्तसर आपको बताऊँगा कि तीन मेन ट्रायल्स होते हैं फेज़ वन ट्रायल्स तीन के एग्जाम के फेज़ टू ट्रायल्स और फेज़ थ्री ट्रायल्स फ़ेज़ फ़ोर ट्रायल्स जो है वो रियल लाइफ डेटा होता है जो पोस्ट अप्रूवल होता है इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए आप ये जो चौथी चीज़ है इसको इग्नोर कर दीजिए लेकिन फेज़ वन ट्रायल्स में मेन पर्पस ये होता है कि 20 से 100 के करीब यानी कम तादाद में हेल्दी वॉल्टियर्स होते हैं उनको कोई दवा दी जाती है और सिर्फ मकसद ये होता है उस ट्रायल का ये देखा जाए कि क्या वो सेफ है या नहीं है उसमें उसकी एफिकेसी यानी वो कितनी कार है उसको असेस करना काम नहीं होता जब उसमें कामयाबी हो जाए कि यानी वो सेफ़ है ह्यूम्स के अंदर तो हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं जिसको फेज़ टू ट्रायल्स कहते हैं उसमें कुछ सौ पेशेंट्स होते हैं और उसमें यह देखा जाता है कि क्या उसमें वाकई सिग्नल आ रहा है यानी क्या वाकई वो फ़ायदा मंद है जिस मकसद के लिए वो दवा बनाई गई है और फेज़ थ्री ट्रायल्स वो होते हैं जिसमें जब ऑलरेडी हमारे पास दोनों ट्रायल से पॉजिटिव सिग्नल आ गए यानी हमें पता चल गया कि वो सेफ़ भी है और हमें ये पता चल गया है कि उसका फ़ायदा भी है तो हम फिर उसके अंदर ये देखते हैं कि कितना फ़ायदा है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बेनिफिट ये फ़ायदे की टोटल जो यानी उसको अगर आप मेयर कर सकें ऑब्जेक्टिवली तो वो कितना होगा तो इस सारे प्रोसेस में आम हालात में कई साल लग जाते हैं और इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ जिन लोगों का जो भी मकसद हो या प्रोपोगंडा हो तो उसमें एक बात बड़ी कॉमनली की जाती है कि जी इन्होंने जल्दी जल्दी जो है ये अप्रूव कर दी वैक्सीन तो जाहिर है कि ये अगेन जो शक व शुभ जब जन्म लेते हैं तो उसमें यकीन कोई ना कोई, कोई यानी उसके पीछे कोई रीज़न तो होता है तो ये मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये इसका रीज़न है तो अब ये है कि वैक्सीन का डेटा आपको पिछली टॉक में बड़ी डिटेल के साथ दिखाया गया है तो उस पर मैं मजीद तफसील से नहीं जाऊँगा बस सिर्फ इतना है कि देखें आप नब्बे से पचानवे फ़ीसद ज़्यादातर वैक्सीन की जो है वो एफिकेसी है उसका मतलब क्या है उसका मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो अगेन अंग्रेजी में बहुत खूबसूरती से बयान हुए हैं बस उर्दू में उसको तश्री कर दूँ कि एक पैरामीटर यह है कि जिस बंदे को वैक्सीन लगी है क्या उसको वायरस लग सकता है या नहीं लग सकता इसका जवाब है यस लग सकता है उसको भी वायरस जिसको वैक्सीन की एक डोज या दो डोजेस दोनों लग गई हों उनको उसके बावजूद भी वायरस लग सकता है लेकिन जब दो कुहाट्स के अंदर देखा गया कि एक के अंदर वो थे जिनको प्लेसिबो दिया गया था यानी वैक्सीन नहीं दी गई थी दूसरे के अंदर वैक्सीन दी गई थी तो तीनों चारों स्टडीज के अंदर एक चीज कंसिस्टेंटली देखी गई कि वो रिस्क काफी लो था अगर आपको वैक्सीन लगी हुई थी लेकिन दूसरा मेरे ख्याल में ज्यादा अहम पैरामीटर है जो जो अभी हमने देखा डेटा में कि सीवियर इन्फेक्शन का तो वो सीवियर इन्फेक्शन की तादाद में बहुत ज्यादा फर्क है और ये हम रियल लाइफ में भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को हमारे दोस्तों को जानने वालों को एक वैक्सीन लगी और उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया इन्फेक्शन बाज को तो शायद पहले से थोड़ा सा चल रहा था और हो गया तो ये डेटा जाहिर आएंगे तो फिर सही पता चलेगा लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लेकिन ज्यादातर लोग अलहमदिल्ला रिकवर कर गए अच्छा एक चीज़ इसमें मैं बता दूं कि ये जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेने वैक्सीन है इसका एक खास एडवांटेज जो जो लॉजिस्टिकल साइड से है वो ये है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखी जा सकती है स्टोर की जा सकती है जबकि आप मोडर्ना की देखेंगे कि माइनस बीस डिग्री चाहिए होता है और जो फाइजर की वैक्सीन है वो माइनस सत्तर डिग्री चाहिए होता है इसको थोड़ा सा मैं वाजे करूं कि इसका मतलब क्या है अगर आप यूके के अंदर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देखें तो ये मैं आपको बताऊं कि हमें हम जब किसी ट्रायल में इनवाइट किया जाता है तो हमसे पूछा जाता है कि भाई आपके इंस्टीट्यूट में माइनस सत्तर या माइनस अस्सी डिग्री के फ्रीज़र्स हैं कि जितना इतनी डीप फ्रीजिंग चाहिए हो तो वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं हर इंस्टीट्यूट में नहीं होते माइनस बीस वाले फ्रीज़र्स अक्सर इंस्टीट्यूट्स में होते हैं यू के अंदर इंग्लैंड वगैरह में और जो उससे कम के हैं वो ज़ाहिर है वो तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये फायर जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसमें एक ख़ास एडवांटेज ये है कि उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो बहुत नॉर्मल टाइप की है दूसरी चीज़ यह है कि इसमें ज़ाहिर है कि डेटा जब आप अफेक्टिव देखेंगे तो वो बासठ से नबे फीसद आ रहा है उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कुछ पेशेंट्स को हाफ डोज इनिशली दी गई थी फिर फुल डोज दी गई थी इसकी वजह क्लियर नहीं है कि क्या है लेकिन उस डोज से एक्चुअली नबे फ़ीसद तक एफिकेसी थी जबकि फुल डोज से वो पैंसठ से सत्तर फीसद एफिकेसी है तो ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ हैं लेकिन इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेन बात यह है कि इन सारी वैक्सीन की काफ़ी स्ट्रॉग एफिकेसी है तो अब ये आखिरी पार्ट जो है मेरी गुफ्तु का उसको मैं काफ़ी जल्दी जल्दी इन स्लाइड से गुजरूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में पैनल डिस्कशन ज़्यादा अहम होगी तो इसमें इसमें बेसिकली आ, आ, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे होनी चाहिए वैक्सीनेशन की ये सी डी सी की स्लाइड्स हैं तो इसका मुख्तर खुलासा ये है कि देखिए जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं किसी भी मुल्क के अंदर वो डील कर रहे हैं इस वायरस वै, वैर, के साथ फ़्रंट लाइन पर तो एक तो एक तो ऑबियस रीज़न है कि उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है मेरे ख़्याल में दूसरा रीज़न जो है ना वो लॉजिस्टिकल रीज़न भी है क्योंकि वो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं उस वायरस को कैरी करने के भी और उस वायरस को आगे फैलाने के भी तो उनके अंदर एहतियात जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए डॉक्टर्स और नर्सिस जो फ्रंट लाइन स्टाफ है या पैरामेडिक्स जो भी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनको ख़ास एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ जिम्मेदारी अपने हद तक महदूद नहीं है कि आप अपने आप को बचाएँ इसमें दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में इक्वली इम्पॉर्टेंट है और वो दूसरे जाहिर सी बात है आपके कम्युनिटी के लोग भी हैं आपके घर वाले भी हैं आपके दोस्त सहबाब भी हैं दूसरी चीज़ ये है कि ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि इसको एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिला है इन वैक्सीनेशनस को ठीक है तो इसमें मैं वाजह कर दूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं यूके की रिसर्च एथिक्स कमेटी पर बैठता रहा हूँ तो देखिए होता ये है कि जब हज़ारों ट्रायल्स चल रहे होते हैं कोई कैंसर का ट्रायल आप देखिए कितने अमराज हैं दुनिया में और कितने सारे मुख्तफ़ किस्म के जो हैं ट्रायल्स चल रहे हैं उन अमराज में बेहतरी पैदा करने के लिए तो होता ये है कि बहुत सारे टी डी एस प्रोसेस हैं जिससे आम तौर पर दवाएँ गुजरती हैं वो तो आपका अमेरिका में अप्रूवल हुई किसी दवा की अमेरिका में किसी ट्रायल की अप्रूवल हुई अब यकीन करें यहाँ यू में आया वो एथिक्स कमेटी में तो यहाँ पर तीन महीने मजीद लग गए क्योंकि इनके अपने प्रोसीजर्स हैं फिर उस पर जना आप कोई क्वेरीज आई फिर हम वहाँ पर जब बैठते हैं कमेटी में आपको हैरत होगी कि उसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते उसमें बल्कि सिर्फ एक आध डॉक्टर होता है जो एक्सपर्ट होता है उसमें कोई लॉयर होता है उसमें कोई ले पर्सन होता है यानी बीस लोगों की कमेटी होती है और वह कमेटी में से कोई भी शख्स एतराज कर सकता है कि मुझे इसका यह एथिकल चीज़ पसंद नहीं है मुझे इसकी फ़लानी चीज़ पसंद नहीं है तो वो डिलेज करके ना कई कई साल लग जाते हैं ट्रायल्स के यू में हुआ तो अब जनाब हॉलैंड में जाएगा तो वहाँ कोई और रेगुलेटरी अप्रूवल है अमेरिका में कोई और है तो यहाँ इन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो बॉडीज़ हैं ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई वैक्सीन को फैलाने के लिए इसके ज़रिए डी लोगों के वो ट्रैक करना चाह रहे हैं ये बात नहीं है बात यह है कि ज़ाहिर है कि मैग्नीट्यूड फिर वही मेरी जो पहली स्लाइड थी मैं उसकी तरफ जाऊँगा कि जितना ज़्यादा डैमेज है उसके हिसाब से एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए गए हैं तो उन्होंने इस सारे प्रोसेस को फास्ट किया है ठीक है उन्होंने इन सारी चीज़ों को कुछ कुछ कट डाउन कर दिया जो डिलेज पैदा करती हैं तो दे सैट टुगेदर इकट्ठे बैठे उन्होंने बैठ के कहा कि भाई ये वैक्सीन इफेक्टिव है अब हमने मजीद डिले नहीं करना क्योंकि देखें डेटा कितना ही अच्छा क्यों ना हो अगर आप क्रिटिकल आई से देखेंगे जो कि देखा जाना चाहिए आम हालात में तो आप बैठ कर उसके अंदर से मुख्तफ किस्म की जो है ना मसाइल दरियाफ्त कर सकते हैं तो बेसिकली इस तरह से उसको फास्ट अप्रूवल हुआ है आगे जो है वैक्सीन कॉन्फिडेंस का नाम दिया है जो सी डी सी की ये जो स्लाइड्स हैं इसमें देखें दो तीन एक्सट्रीम्स होंगे जब भी हम बात करेंगे ये अच्छी एक स्लाइड है जिसमें इन्होंने दिखाया है, जैसे मैंने बताया सी डी CD की सी डी सी की स्लाइड है कि कुछ लोग हैं वो एक्टिव डिमांड करेंगे कुछ लोग रिफ्यूज़ करेंगे कुछ लोग बीच में होंगे जो कि एक्सेप्ट करेंगे मेरे ख्याल में आ, काम हमारा तो ये है कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट किया जाए और लोगों पे छोड़ा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं लेकिन ऑन द सेम टोकन कोशिश की जाए कि ज़्यादातर लोग इधर मिडल में मीट करें यानी ना तो वो कोई गलत ज़रा इस्तेमाल करें कि मस्ट उनको वैक्सीन लगे हर गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया है और वो प्रोसीजर यूके में इस वक्त प्रोसीजर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है उसकी मैं अगरचे कि उस पर क्रिटिसिजम हो सकता है कि उन्होंने जो दूसरी वैक्सीन डिले कर दी है वो एक अलहदा एस्पेक्ट है लेकिन यहाँ पर आप यकीन करिए कोई प्राइवेट सेटअप में भी जाके दूसरी वैक्सीन नहीं ले सकता क्योंकि ट्रैक डाउन होगा आपका आ, कि कौन कौन शख्स वैक्सीन ले रहा है प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता ये चीज़ तो मेरे ख्याल में ये इस अतबार से अच्छा अमल है कोशिश की जाए कि आवाम के अंदर अवाम नास के अंदर जो है सबको वैक्सीनेट किया जाए क्योंकि इवेंचुअली हमारी टोटल भलाई इसी के अंदर ही है तो अब इसके अंदर ये एक सर्वे दिखाया गया कि अट्ठावन फीसद लोग जनरल पब्लिक में याद रहे कि ये वेस्ट के सर्वेज हैं कि उनके अंदर भी रेजरवेशनस थी कि वैक्सीन ली जाए ना ली जाए उसके फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या है आपने अभी सुना है पिछली टॉक में कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं यकीन हो सकते हैं तो उसको अलबत्त इन्हेंस करना लोगों की अंडरस्टैंडिंग को कोहैंस करना हमारा काम है साथ ही साथ ये है कि जैसे जैसे देखिए कोई चीज़ बिल्कुल नई हो जैसे कोरोना वायरस भी जब नया था तो छः आठ महीने तो लोगों को यकीन करने में लगे क्योंकि ये कोई वायरस भी है इसी तरह वैक्सीन भी अभी नई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगती जा रही है अलहमदुल्ला मेरे जानने वालों में कई लोगों को वैक्सीन लगी है मैंने किसी को भी नहीं सुना कि कोई फेटल रिएक्शन हुआ हो यकीनन रिपोर्टेड केसेस हैं लेकिन बहुत कम तादाद में आटे में नमक के बराबर है तो इस वजह से ये जरूरी है कि यह डेटा सामने आते जाएं इन और लोगों को मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा इसमें कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं ज्यादा इसकी गहराई में मेरे ख्याल में जाना मुनासिब नहीं है लेकिन मेन चीज़ यह है कि देखें जो वैक्सीन चैम्पियंस का नाम दिया उन्होंने तो उसमें यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है जो लोग हैं सोशल मीडिया पर और जो आम चीज़ें भी मतलब शेयर करते हैं उन लोगों के लिए नहीं जो मुनासिब नहीं समझते इसको उनके लिए शायद ये है कि अगर उनके उनको उनके दोस्त अहबाब को या याजीज़ोक को लगे तो मुमकिन है कि इससे फ़ायदा हो कि वो 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 पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ शेयर करें पिक्चर ना भी करें तो वो न्यूज़ शेयर करें जिससे कि एक रीएश्योरेंस मिले लोगों को कि ये जो है शेयर हुई है और सेफ़ है दूसरी चीज़ होस्ट डिस्कशनज हैं अब अलहमदिल्ला आज जो हम कर रहे हैं ये उसका पार्ट एंड पार्सल है कि आपस में हम लोग डिस्कशंस करें डिफरेंट लेवल के ऊपर फिर उसके बाद ये है कि हम की वर्कर्स के साथ भी और स्टाफ के साथ भी ये मैसेज शेयर करें तो यकीन करिए कि मतलब ऐसे कई दो सहबाब हैं जो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर होने के बावजूद भी बहुत अनसर्टनिटी का शिकार थे कि हमें करना चाहिए लेनी चाहिए वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए तो उसमें जो है मेन चीज़ ये है कि आप रि एक दूसरे को करिए खुद को भी करिए दूसरों को भी करिए तो वही बात है कि एजुकेट करें हेल्थ केयर सिस्टम्स को टीम्स को जिसमें अगेन हम इनशाला कोशिश कर रहे हैं कि उससे उस उसमें हम भी अपना हिस्सा डाल सकें और उसके अलावा आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि आज का जो ये फोरम है ये बहुत ही बाबरकत है इस एतबार से कि अगर किसी को कोई मज़बी एतबार से भी इसके बारे में कैबियट्स हैं कोई क्वेश्चन हैं कोई ईशूज़ हैं एप्रीहेंशन uh, हैं तो वो सारी जो हैं इन शाह तला आज uh, मौका है कि उनको एड्रेस किया जा सके तो मेरी तरफ से बस इतना ही है इंशाल्लाह फिर पैनल डिस्कशन में कोई सवाल आते होंगे तो उसके जवाब देंगे बहुत बहुत शुक्रिया फिर से सलीम भाई को और फात भाई और सब लोगों को अल्लाम